Hello everybody, in the last video we completed up to this, rescued by the owner like an old regimental comrade, that Howard did not reach the track, यहाँ तक उसे वो पसंद नहीं था कि उसे एज अ रेजिमेंटल कॉम्रेड समझ के, रेजिमेंट का अपना दोस्त साथी समझ करके उसको वो समझ रहा है, वो मतलब लेके जा रहा है, ले जाने की बात कर रहा है, इसीलिए उसने उसको रिफ्यूज किया और क्या बोला, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अलार्म्ड माने डरा हुआ, कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता था, मैं ऐसा नहीं जा सकता हूं, ऐसे नहीं कर सकता हूं। He thought of the dirty 30 crore. उसके दिमाग में क्या थे कि वो जो 30 crore जो चोरी करके लाया था उसके बारे में, और जब चोरी करके लाता है तो इंसान को डर तो रहता ही है। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. जैसे कि अपने आप को शेर की गुफा, शेर की पिंजरे में अपने आप को प्रेजेंट कर देना कि ले भाई शेर तू मुझे खा ले। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. बस वो तो इतना चाहता था कि बस आज रात को मुझे यहां सोने को मिल जाए रात गुजारने के लिए, और कल सुबह होते ही मैं sneak away, चुपचाप से निकल जाना, inconspicuously माने किसी को इसका पता भी ना चले कि कोई रात में आया भी था, कब चला गया, इतना जिससे कि लोगों को किसी को अवेयर ही ना हो, इतने जितना पॉसिबल ऐसा हो सके उतना हो चला जाए वहां से। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोदिंग। आयरन मास्टर ने सोचा कि ये जो मना कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इतना परेशान जो दिखाई दे रहा है, शर्म आ रही है शायद उसको कि क्योंकि वो इतने फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कांट शो योरसेल्फ देयर। तो अपनी सफाई में क्या बोलता है, रेड ट्रैप सेलर को बोलता है आयरन मास्टर कि ऐसा मत सोचना कि मेरा बहुत अच्छा घर है, हालांकि बहुत अच्छा घर है क्योंकि इतनी बड़ी आयरन मिल का वो ओनर था, कि आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, कि तुम वहां जा नहीं सकते, अपने आप को पहुंचा नहीं सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आप तुमने सुना ही होगा, मेरी जो एलिजाबेथ उनकी अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा है कि वो तो खत्म हो चुकी हैं। माय बॉयज आर एब्रॉड, मेरे बच्चे जो हैं वो लड़के एब्रॉड हैं, एंड देयर इज नो वन एट द होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड माय सेल्फ। तो कम मैं और मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है हम दो ही घर पर हैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम यही बातें कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस पर कोई भी हमारे साथ नहीं है। देखिए क्रिसमस जो होता है उनका एक मेजर फेस्टिवल क्रिसमस ही है, और उसके कुछ दिन बाद न्यू ईयर्स आ जाती है, न्यू ईयर्स ईव, तो ये करीब एक ये जो टाइम होता है कम से कम 15 दिन, कोई 20 दिन या कोई एक महीना, ये पूरी साल में ये इनका एक इंजॉयमेंट का टाइम होता है, मिलने जुलने का, अपने आपस के फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये सब चीज़ें। तो अब ये दोनों बाप बेटी यही बातें कर रहे थे कि इस बार तो कोई हमें कंपनी देने वाला है ही नहीं। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर। बोला कि अब चलिए हमारे साथ और जो हमने क्रिसमस पे जो भी अच्छे अच्छे पकवान घर पे बनाए हुए हैं फूड, उसको डिसअपीयर होने में, थोड़ी जल्दी से ख़त्म होने में हमारी मदद कीजिए। माने दो लोगों के हिसाब से उसने खाना बनाया, अब उसी दो लोगों को अगर तीन लोग खाएंगे थोड़ा खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, बड़ा कंफर्म होके बोला नहीं नहीं नहीं, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, मतलब उसे अब ये बात त्याग देनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मतलब जो उसको परसुएड कर रहा था, उसको समझा रहा था, कन्विंस कर रहा था घर ले जाने के लिए, इस प्रयास में उसको अपना आप एफर्ट्स नहीं लगानी चाहिए, छोड़ देना चाहिए आइडिया। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टिल प्रिफर टू स्टे विद यू टुनाइट, इज जन स्ट्रॉन्ग।
ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्नड ऑन हिज हील। तो जब उसने तीन बार नो बोला तो मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो इसका नाम ये दिया हुआ है स्टर्न स्ट्रॉन्ग, उससे बोला ऐसा लगता है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेल जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो राज की रात तुम्हारे साथ ही बिताएंगे, माने यही फौज में ही बिताएंगे। एंड टर्नड ऑन हिज हील, टर्नड ऑन हिज हील माने वापस चले जाना। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो हंसा अपने आप से, टू हिमसेल्फ माने एक मुस्कुराहट दी, एक हंसा, जब ये बात कही तो हंसते हुए कही थी। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था, जो अपने बॉस को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। ही हैज नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड मतलब कि उसने अभी अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, माने अपना अभी लास्ट जो एफर्ट है वो अभी उसे, वो अभी फिर भी इसको कन्विंस करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन अभी वो फिनिश नहीं हुआ है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। अभी आधा घंटे से कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था तभी उन्होंने कैरिज व्हील, एक घोड़ा गाड़ी जैसे होती तांगा टाइप का, उसकी आवाज सुनी फोर्ज के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और अब एक नए मेहमान आई, कौन थे वो? बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अपनी बेटी को भेजा कि बेटा जाओ, मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है, इसलिए वो आना नहीं चाह रहे हैं घर पर, शर्म लग रही है उनको, तो चलो तुम जाओ। और ये सोच करके कि उसकी बेटी जो है उस इंसान को, रेड ट्रैप सेलर को, जिसे वो अपना रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा था, उसको परसुएड करने में, कन्विंस करने में वो सक्षम है। She entered, followed by a valet. Valet होता है एक हेल्पर जैसे, उसके अटेंड पीए जैसे होते हैं, carrying on his arm a big fur coat. तो उसके साथ साथ एक उसका नौकर भी चल रहा था जो फर कोट अटेंड मतलब लिए हुए था। She was not at all pretty. वो दिखने में तो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, but seemed modest and quite shy. मॉडेस्ट थी, जैसे मर्यादा एक लड़की की जो होनी चाहिए, थोड़ा शर्मीली भी टाइप की। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फॉर्ज में जैसे पहले था सब कुछ, वैसे ही अर्लियर इन द इवनिंग, शाम को जैसे मतलब पूरा शोर शराबा हो रहा था, जैसे काम होता रहता है वैसे ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच एंड एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। अभी भी आयरन पक रहा था और फर्नेस में चारकोल वगैरह जो भी था वो सब चमक रहे थे, माने गर्म होकर के हॉट फर्नेस में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, स्ट्रेस्ड मतलब फैल गया था वो, अब गर्मी हो गई, शरीर में गर्मी आ गई, फर्नेस के सामने सो रहा है तो थोड़ा कंफर्टेबल होकर सो गया। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, जो हैट थी उसको अपने चेहरे पे आंखों के ऊपर कवर कर लिया जिससे कि थोड़ा सा कंफर्टेबल नींद ले ले, और एक पिग आयरन का टुकड़ा जो है पिलो की तरह से, तकिए की तरह से उसने अपने सिर के नीचे रख लिया। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसके चेहरे पर से वो हैट को हटाया। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, देखो विद वन आई ओपन का मतलब होता है बड़ा चौकन्ना होकर सोने वाला। अब यहां तो ये चोरी करके आया है तो इसको ऐसी कंफर्टेबल कैसे नींद आ जाएगी बिल्कुल एकदम से, जरा सी भी हलचल हुई या उसके शरीर से किसी ने कुछ हटाया जैसे हैट हटाई तो एकदम से जग गया। ही जंप्ड अप एब्रप्टली अचानक से एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ सा लग रहा था वो। माई नेम इज एडला विलियमसन सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्स्ट टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। पिताजी आए, उन्होंने बोला कैसे आप यहीं पर रहना चाह रहे हो, मैंने उनसे परमिशन ली और मैं अब आपको लेने के लिए आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन,
दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे बड़ा दुख है कि आपके साथ में इतना डिफिकल्ट फेज जिंदगी के से आप गुजर रहे हो अभी तक। बस यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।